हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू प्रभा क्लासेस फ्रेंड्स हम अपने इस यूट्यूब चैनल के द्वारा लॉ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आप लॉ के किस टॉपिक पे और कोई वीडियो चाहते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को समझने से पहले जो वर्ड इंडिपेंडेंस है उसकी मीनिंग समझना बहुत जरूरी है तो द टर्म इंडिपेंडेंस हैज नाइदर बीन डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन The Journal Act, जो हमारा हमारा है, वो ना तो कहीं हमारा constitution में डिफाइन किया गया है और ना ही उसे कहीं जर्नल में किया गया है। अगर इंडिपेंडेंस वर्ड की बात करें तो इंडिपेंडेंस मीन्स अबेंस ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल और सपोर्ट कि किसी भी एक्सटर्नल बाह्य नियंत्रण से या बाह्य सहायता से क्या होना चाहिए वो एब्सेंस होना चाहिए यानी कि किसी के भी बाह्य नियंत्रण या कंट्रोल में नहीं होना चाहिए तो जुडिशरी टू बी फ्री फ्रॉम द कंट्रोल एंड सबॉर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेचर जुडिशरी को फ्री स्वतंत्र होना चाहिए हर तरह के कंट्रोल से नियंत्रण से और सबऑर्डिनेशन अधिनस्थितता से किसकी नियंत्रण और अधीनस्थता से एक्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के यानी कि जो भी वो अपना एक्टिविटी कर रही है जो भी वो एक्ट कर रही है उसका एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के द्वारा कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए इन दिस वे जजेस शुड बी इंडिपेंडेंट एंड फ्री फ्रॉम एनी रेस्ट्रिक्शन और यदि इंडिपेंडेंसी होगी तो जजेस क्या होंगे इंडिपेंडेंट होंगे फ्री होंगे किससे हर प्रकार की रेस्ट्रिक्शन से इंड्यूसमेंट से इन्फ्लुएंस से प्रेशर से थ्रेट से चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो किस की तरफ से एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर की तरफ से इन आर्टिकल 50 प्रोवाइड्स दैट स्टेट शेल टेक स्टेप्स टू सेपरेट अ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट आर्टिकल 50 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है कि जो स्टेट है वो स्टेप्स लेगा यानी कि स्टेप्स लेने चाहिए उसको किस के रिगार्डिंग सेपरेट करने के लिए जुडिसरी और एग्जीक्यूटिव को पब्लिक सर्विसेज से यानी कि जुडिशरी में और एग्जीक्यूटिव में क्या सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए यानी कि कोई भी जो आपकी एग्जीक्यूटिव है वो जुडिशरी के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगी इंटरफेरेंस नहीं करेगी अब जो हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात कर रहे हैं रिगार्डिंग जजेस अपॉइंटमेंट उसमें ये जो आपका वर्ड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है सबसे पहले डिस्प्यूट आया 1973 में ऑन जजेस अपॉइंटमेंट जब जजेस का अपॉइंटमेंट किया जा रहा था 1973 में सबसे पहले इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का डिस्प्यूट आया जहां पर जस्टिस अजीत नाथ रॉय अपॉइंटेड एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जहां पर अजीतनाथ नाथ रॉय को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया सीजे आई कम ऑन दिल्सियन इन द केशनंदू दाइन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहा जाता है कि जो अपॉइंटमेंट हुआ था जस्टिस अजित नाथ रॉय का ये एज अ सी जे ये इसलिए हुआ था क्योंकि जो केशवानंद भारती का केस में डिसीजन आया था उसमें जो उनकी ओपिनियन थी वो डिसेंडिंग ओपिनियन थी यानी कि उन्होंने जो है गवर्नमेंट के पक्ष में अपना डिसीजन दिया था और इसी वजह से जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी उन्होंने जस्टिस अजीत नाथ रॉय को क्या किया अपॉइंट किया गया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब आगे क्या था ये हम नहीं कह सकते अगेन इन 97 1977 में जो एम e. बेट थे चीफ इंडिया न, नियर जज। उसके बाद 1977 में जो एमयू e. बेट थे उन्हें अपॉइंट किया गया एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुपरसीड करते हुए सीनियर मोस्ट जजेस जो सीनियर मोस्ट जजेस थे उस समय के उनको सुपरसीड करते हुए यानी कि उन्हें जजेस अपॉइंट ना करते हुए किसे अपॉइंट किया एमयू बेग को हमारे इंडिया में जो सी जे आई अपॉइंट किए जाते हैं वो जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के उन्हें ही सी जे आई अपॉइंट किया जाता है लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो प्रोविजन है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इसको नहीं बताया गया है ना इसके लिए कोई प्रोविज़न किया गया है ये पहले से ही चला चला आ रहा है कि जो सीनियर मोस्ट जज होंगे उन्हें ही एज अ सी अपॉइंट किया जाएगा बट इन 1977 जनता पार्टी लेकिन 1977 में जो जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी वो मेजोरिटी में आई और एज अ गवर्नमेंट वो अपॉइंट हुई और उन्होंने क्या किया उन्होंने जो जस्टिस चंद्रचूड थे उनको एज अ सी अपॉइंट किया किसके बेसिस पे सीनियोरिटी एंड कंटिन्यू कॉलेजियम सीनियोर यानी कि जो सीनियोरिटी के बेसिस पे थे जनता पार्टी ने वही जो चलती चली आ रही थी उसी को ही फॉलो किया और सीनियोरिटी के बेस पे नेक्स्ट अपॉइंट किया चंद्रचूर को और कॉलेजियम को बहाल किया कंटिन्यू किया द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन आर्टिकल वन ट्वेंटी फोर एंड आर्टिकल टू जो कॉन्स्टिट्यूशन में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड प्रोविजन किए गए हैं वो किए गए हैं आर्टिकल 124 में में सुप्रीम कोर्ट के के अपॉइंटमेंट्स बारे में बताया गया है आर्टिकल 217 में आपको हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में प्रोविजन दिए गए हैं दीज आर्टिकल स्टेट्स अब अगर इन आर्टिकल्स की बात करें तो ये आर्टिकल क्या कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो जजेस है सुप्रीम कोर्ट के वो शेल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट किसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगी प्रेजिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे इन द कंसल्टेशन किसकी कंसल्टेशन से परामर्श से विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसकी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनकी कंसल्टेशन से सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करेगा प्रेसिडेंट करेगा ये कहता है आपका आर्टिकल 124 अब यहाँ पर बात आती है हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट की आर्टिकल 217 क्या कह रहा है वो कह रहा है कि ऑफ़ द द द द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद सीजेआई के के परामर्श से ही प्रेसिडेंट क्या करेगा हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट करेगा अब दो चीज क्या है जो हमने आर्टिकल जो हमने प्रीवियस आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था सुप्रीम कोर्ट वाले में वही आपका जो है सेम वही चीज यहाँ पे आ रही है कि जो अपॉइंटमेंट हो रहा है प्रेसिडेंट के थ्रू ही अपॉइंटमेंट हो रहा है आफ्टर द कंसल्टेंसी ऑफ सीजेआई बट इसमें दो चीज एक्स्ट्रा क्या है कि गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के यहाँ पे सीजीआई के परामर्श के साथ साथ उस स्टेट के गवर्नर की कंसल्टेशन भी जरूरी होगी और दूसरा उस स्टेट के जो कोर्ट है उस स्टेट के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे भी परामर्श लेना अनिवार्य है तो यहाँ पर अगर हाई कोर्ट के 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 बारे में अगर बात आती है, तो प्रेसिडेंट कंसल्टेशन लेगा सीजेआई से प्लस उस स्टेट के गवर्नर से और उस स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से ठीक है नेक्स्ट बट देयर अ कंट्रोवर्सी बिगेन ओवर द कंसल्टेशन लेकिन अब आगे चलकर जो ये वर्ड कंसल्टेशन बार बार रिपीट हो रहा है इसी पे क्या है कंट्रोवर्सी शुरू हो गई कि कंसल्टेशन का वास्तव में क्या मीनिंग है द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड कंसल्टेशन इन द प्रोविजंस जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन किए कंसल्टेशन वर्ड के किसके थ्रू डिफरेंट डिफरेंट केसेस के थ्रू तो वो हम अब आगे डिस्कस करेंगे पहला आपका जो केस आता है जिसे फर्स्ट जजेस केस के नाम से भी जाना जाता है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हाई कोर्ट द वर्ड कंसल्टेशन डज नॉट मीन कंक्यूरेंस यानी कि जो कंसल्टेशन वर्ड है उसका मतलब ये नहीं है कि सहमति यानी कि सम्मत होना चाहिए कहीं से यानी कि अगर प्रेसिडेंट और आपके जो सी जी आई है जिनसे वो कंसल्टेशन ले रहा है उनकी कंसल्टेशन अगर प्रेसिडेंट ले रहे हैं तो वो जस्ट लाइक अ कंसल्टेशन अब ये जरूरी नहीं है कि उन्हें उनकी बात सी जी आई की माननी ही पड़ेगी ठीक है तो नीचे क्या क्या इन द इवेंट ऑफ अ डिसएग्रीमेंट अगर दोनों में डिसएग्रीमेंट होता है सीजीआई कुछ कह रहे हैं प्रेजिडेंट कुछ कह रहे हैं तो अल्टीमेट पावर वो ड्रेस्ड विद द यूनियन गवर्नमेंट तो जो अल्टीमेट पावर है अंतर्निहित जो शक्ति है वो किस में चली जाएगी जाएगी? वो चली जाएगी राष्ट्रपति में यूनियन गवर्नमेंट में ना कि सीजीआई तो को कह रहे हैं और और राष्ट्रपति किसी को कह रहे हैं, तो वहां पे किसकी बात मानी जानी चाहिए राष्ट्रपति की मानी जानी चाहिए इसलिए इनमें कहा था वर्ड कंसल्टेशन नॉट मीन कंकरेंस परामर्श का मतलब सम्मति नहीं है ये जरूरी नहीं है दोनों एक ही बात पे सहमत हूं नेक्स्ट आपका आता है सेकेंड जजेस केस सेकेंड जजेस केस आपका सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 ये जो आपका uh, 7.2 के मेजोरिटी uh, से ये केस आया था द कोर्ट ओवर रूल द फर्स्ट जजेस केस इस इस में क्या हुआ जो एसपी गुप्ता का केस के उस को उस को जजमेंट कर दिया गया होल्डिंग दैट इन ऑफ द विद रिगार्ड्स टू अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुज ओपिनियन वुड नॉट बी मैनर इस केस में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन प्रेसिडेंट एंड सीजीआई अगर सीजीआई और प्रेसिडेंट में कॉन्फ्लिक्ट होता है अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग तो वहां पर इट वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सीजीआई है हुज ओपिनियन वुड नॉट ओनली हैव प्राइमेसी वो सिर्फ मेसी ही नहीं होगी बट दैट मैनर उसको प्राथमिकता ही नहीं दी जाएगी बल्कि वो क्या होगी भी भी होगी, भी होगी, उस मैटर को सॉल्व करने में यानी कि यहाँ पे अगर हम इनडायरेक्टली कहना चाहें तो यहाँ पे जजेस ने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सीजीआई की, की कंसल्टेशन है इज मस्ट उसका होना जरूरी है दिस verdict also आल्सो गिव बर्थ टू द कॉलेजियम सिस्टम द कोर्ट ऑल्सो एक्सप्लेन दट इस जो हमारा ये केस था इसने क्या था जो कॉलेजियम सिस्टम था उसको एक नया उसका कहते हैं एक नया जन्म हुआ कॉलेजियम सिस्टम का और अपॉइंटमेंट वुड बी डिसाइडेड बाय द सीजीआई एंड टू मोस्ट सीनियर जजेस आफ्टर द सीजीआई इन द सुप्रीम कोर्ट वेन इट कम्स टू अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट जजेस अब पर देखिए जब बात यहां पर आती है कि CGI का पे जो है परामर्श है वो मस्ट कर दिया गया है अब जजेस जो है हो सकता है वो बायस हो जाएं, एक माइंडसेट होता है कि हो सकता है अकेला पर्सन है तो वो क्या हो सकता है अपनी मनमानी चलाएगा तो यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम बनाया गया जिसमें जो अभी तक उसको फॉलो किया जा रहा है जिसमें क्या कहा गया कि अपॉइंटमेंट जो अपॉइंटमेंट है वुड बी डिसाइडेड बाय सीजेआई जो परामर्श लिया जा रहा है वो सीजेआई का लिया जाएगा डिसाइडेड अपॉइंटमेंट किसके सीजेआई के थ्रू किया जा रहा है एंड द टू मोस्ट सीनियर जजेस आफ्टर सीजेआई जे यहाँ पे कहा गया कि और क्या होने चाहिए खाली सीजेआई का परामर्श ही काफी नहीं है उनके जो दो और सीनियर मोस्ट जजेस हैं जो सीजीआई है उनसे अदर उनका भी कंसल्टेशन लेनी जरूरी है इन द सुप्रीम कोर्ट व्हेन इट कम्स टू द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट किया जा रहा है तो वहां पर राष्ट्रपति जो है परामर्श लेगा सीजीआई का और सीजीआई का परामर्श खाली उनका अकेले का परामर्श नहीं होगा बल्कि सीजीआई परामर्श और किस से लेंगे दो सीनियर मोस्ट जजेस से यानी कि सीजीआई हो गए और दो सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट उनका परामर्श लिया जाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट किया जा रहा है ठीक है नेक्स्ट टू मोस्ट सीनियर के इट्स की जजेस का अगर अपॉइंटमेंट किया जा रहा है तो वहां पर सीजीआई का कंसल्टेशन लेंगे प्रेजिडेंट और दो सीनियर मोस्ट जजेस जो होंगे आपके सुप्रीम कोर्ट के लेकिन अगर वहीं पर सुप्रीम कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट में अगर अपॉइंटमेंट होना है तो वहां पे क्या है वहां पे इन सब के अलावा जो ऊपर वाले मैटर में, में वो तो है ही इनके अलावा प्लस और क्या होने चाहिए टू सीनियर मोस्ट जजेस होने चाहिए ऑफ़ रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट। उस हाई कोर्ट, जिस कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट किया जा रहा है उस कोर्ट के दो सीनियर मोस्ट जजेस भी, आ, का भी कंसल्टेशन लेनी जरूरी है व्हेन इट कम्स टू ऑफ ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट मैटर है तो वहां पे अब अगर हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट के जजेस का अगर अपॉइंटमेंट किया जा रहा है तो प्रेसिडेंट कंसल्टेशन लेंगे सीजेआई से सीजेआई दो अपने और सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्टेशन लेंगे उसके अलावा और कंसल्टेशन किससे ली जाएगी जिस हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट किया जा रहा है उस हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस की कंसल्टेशन ली जाएगी नेक्स्ट आपका केस आता है थर्ड जजेस केस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस, 1998। इस केस में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट रीअफर्म इट्स 1993 जजमेंट जो 1993 का जजमेंट था उसको ही क्या किया एक तरह से uh, रिअफर्म किया गया और एक्सप्लेनड किया गया किसे द तो कॉलेजियम को इंक्लूडिंग दैट सीजीआई एंड फोर मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर सीजीआई यहाँ पे जो हमने अपना प्रीवियस प्रीवियस uh, जो हमने अभी केस देखा था एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वाला उसमें क्या कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई हैं वो टू सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्टेशन लेंगे लेकिन इसमें क्या किया गया इन रिप्रेजिडेंशियल में उन दो जजेस की जगह क्या कर दिया आपका फोर कर दिए गए फोर मोस्ट सीनियर जजेस ठीक है फोर मोस्ट सीनियर जजेस वहां पर क्या वहां पे क्या थे आपके वहां पे थे आपके टू और यहां पे आपके इस वाले केस में क्या कर दिया गया इसमें कर दिए गए आपके टोटल फोर अब जो आपका आपका जो आ, आ, वन जस्ट मिनट फोर यस तो अब क्या है 1998 में जो दो जजेस जज़ेस थे उनका जो कंसल्टेशन लेनी होती थी सीजीआई को अब यहाँ पे दो की जगह क्या कर दिए गए हैं आपका फोर मोस्ट सीनियर जजेस की कंसल्टेशन लेंगे आफ्टर सीजीआई नेक्स्ट चलते हैं the judges' case effectively took away the power of executive to play a role in the डिस appointed as a Supreme Court judges। यहां पर अगर कहा जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट है अब इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंसी उनके हाथ में आई और जो एग्जीक्यूटिव रोल प्ले कर रही थी जजेस के अपॉइंटमेंट में अब उनका रोल एक तरह से ना के बराबर हो गया इसी के बाद आपका एक कमीशन बनाया जाता है जस्टिस वेंकटाचार्य कमीशन रिपोर्ट इन 2002 एक जस्टिस वेंकटाचार्य कमीशन की एक रिपोर्ट आती है 2002 में जो कि सजेस्ट करती है रिप्लेसिंग द कॉलेजियम विद नेशनल जुडिशियल कमीशन के जो कॉलेजियम सिस्टम है जो अभी हमने अभी पीछे पढ़ा था कि क्या क्या कॉलेजियम सिस्टम्स है वो नहीं होना चाहिए बल्कि उसकी जगह क्या होना चाहिए एक नेशनल जुडिशियल कमीशन होना चाहिए जो कि जजेस का अपॉइंटमेंट करे in case of supreme court advocates on records versus union of india 2015 आपका अगर बात कहें जो हमारा वेंकड़ेचलिया कमीशन की जो रिपोर्ट थी 2002 में जो आई थी उसके बेस पर एक हमारा 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया जिसमें आ, जो आ, नेशनल जुडिशियल कमीशन जो है उसकी स्थापना की गई थी उसको बनाया गया था लेकिन आपके जो ये केस आया सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ने डिक्लेयर किया नाइन जो आपका 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जिसमें जुडिशियल कमीशन का किया गया था, कब बनाया गया था वो क्या है आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया क्यों बिकॉज इट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्यों क्यों कि वो बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारा मूलभूत ढांचा जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या करता है उसका वॉयलेशन करता है और इंडिपेंडेंस अगर बेसिक स्ट्रक्चर अगर बताया जाए तो किसे इंडिपेंडेंस ऑफ के जो इंडिपेंडेंस जुडिशरी है उसको आघात किया जा रहा है जो कि एक आपका बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन अब अगर प्रेजेंट की बात करें तो नाउ द एम ओ पी जिसे फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस गिव द सेंट्रल मोर देन वन अपॉर्चुनिटी टू रेज एनी कंसर्न अबाउट द कॉलेजियम्स रिकमेंडेशन अब अगर बात की जाए तो अभी जो नॉर्मल सी बात है गवर्नमेंट अगर कोई पावर्स ली जा रही है तो कहीं ना कहीं तो इम्प्लीमेंटेशन वो करवा ही लेती है तो यहीं पे एक मेवरडर ऑफ प्रोसीजर के नाम से जाना जाता है इसे एमओपी भी कहा जाता है इसमें क्या है आपका कि जो सेंट्रल uh, गवर्नमेंट है उनके पास दो अपॉर्चुनिटी होती हैं। टू रेस एनी कंसर्न अबाउट कॉलेज यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट हो रहे हैं और किसी का नेम रिकमेंडेशन पे किया जा रहा है रिकमेंड किया जा रहा है किसी जजेस का नेम की इन्हें जो है जजेस अपॉइंट करना है तो वहां पर क्या है अपॉर्चुनिटी दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को सबसे पहले फर्स्ट बाय द मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस सबसे पहले जो आपका विधि और न्याय मंत्री हमारे होते हैं लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर होते हैं सबसे पहले वो जो है जो भी उन्हें वो ऑब्जेक्शन है वो रेस कर सकते हैं एंड सेकेंडली द प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद अगर उनका रिजेक्ट कर लिया जाता है तो प्राइम मिनिस्टर इस पे ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं बट एट लास्ट द कॉलेजियम डिसीजन शैल बी फाइनल बट एट लास्ट में जो कॉलेजियम का डिसीजन होगा वही फाइनल होगा रेज कर सकते हैं लेकिन डिसीजन जो कॉलेजियम अगर कॉलेजियम जो ये रेस कर रहे हैं ऑब्जेक्शन अगर उसको एग्री कर लेता है तो कोई बात ही नहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बट अगर एग्री नहीं कर रहा है तो वहां पर जो कॉलेजियम का डिसीजन होगा वही फाइनल माना जाएगा तो ये था हमारा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशी एंड अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस तो अगर ये लेक्चर हमारा अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट किस लॉ के टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए तो टेक केयर एंड बाय बाय